ये देखिए यहाँ पर आम है, आम मैंगी फेरा इंडिका, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है मैंगी फेरा इंडिका। तो देखिए यहाँ पर आम भी लगे हुए हैं, है मैंगी फेरा इंडिका, है ना, आम लगे हुए हैं मैंगी फेरा इंडिका, इसका बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम आपको इंडिका से चार पांच याद रखने हैं, जैसे मधु का, मक्खी का एपिस इंडिका, नीम का अजेडी रस्ता इंडिका, इधर आप देखेंगे महुआ, महुआ का मधुका इंडिका। देखिए भैया यहाँ पर महुआ बीन रहे हैं, चुन रहे हैं, ये देखिए स्वाद में ये बहुत मीठा होता है। बिल्कुल अंडे की तरह, एक स्थान है अंडा महुआ, तो वहाँ पर अंडे की तरह महुआ आता है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा, तो उसको अंडा महुआ कहते हैं। देखिए हो जनजाति होती है, उसी से आया है मधुकम, मधुकम शब्द से आया है मधुका इंडिका। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा महुआ है, और ये फ्लावर है, फ्लावर इसके बाद जैसे फर्मेंट, ये आपका फ्लावर जब पॉलिनेट हो जाता है, परागित हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर अब ये इसमें फ्रूट आएगा और सीड आएगा, फ्रूट और सीड, और दोनों ही आएंगे। इसके बाद सीड, सीड को निकाल कर उसका महुआ का तेल निकाला जाता है, ऑयल ऑफ मधुकम इंडिकम, मधुका इंडिका, और उस ऑयल का क्या किया जाता है, उसको फेरा जाता है, तेल निकाला जाता है, और तेल को कारखाने में ले जाकर उससे मेडिसिन भी बनाई जाती है, प्लस आपने देखा होगा उस तेल का सेपोनिफिकेशन करके साबुन का निर्माण किया जाता है। गुड मॉर्निंग सर, क्या बोल रहा, वीडियो बना रहा है? हाँ, मेरा भी डाल दिया वीडियो। तो इस तरीके से भैया आपको कितना समय लगता है इसको चुनने में? ये चुनने में लग जाएगा आपका डेढ़ दो घंटा। डेढ़ दो घंटा, अच्छा। और एक महुआ का पेड़, ये आप आपका ही है ना सर? तो आपका ये कितना दे देता है ये महुआ? ये महुआ हमारा देख रहे हैं, अगर बढ़िया से परे तो ये दो अढ़ाई क्विंटल दे देता है एक पेड़। हाँ, यही अंदाजी हम लगाए थे। और वैसे अभी कितना रेट जा रहा है, ये व्यापारी कितना को खरीद रहे हैं? अभी तो 45 जा रहा है। 45 जा रहा है, पहले तो 25-30 जाता था, रेट बढ़ गया है, तब तो ठीक है, चलिए। और जब आप लेने जाएंगे कभी माली व्यापारी से, तब कितना आपको? 85? अरे 50 रुपये, 50। मैं बता रहा, 70 रुपये को बेचते हैं ये लोग। नहीं तो 70 रुपया तो हमने कभी बेचा नहीं। जो माली किड़वन के द्वारा जो अल्कोहल बनाते हैं, शराब बनाते हैं, हाँ। वो भी 50 के जाता है। जैसे कोई बनाने वाला है, लेके आता है उनसे, तो 70 रुपये को देते हैं। तो बता, सुनने में आया है? हाँ, सुनने में आया होगा, लेकिन हाँ। इधर देहात में जो 50 रुपये चल रहा है। अच्छा अच्छा, देखिए ये चीटियाँ, देखिए कितना सारा ये यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मीठा होता है एकदम, ठीक है, आपको याद रखना है। एपिस इंडिका, मधुका इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका, अजेडी रस्ता इंडिका, नीम, ठीक है, ओके। ये देखिए हर जगह यहाँ पर चुना जाता है, ये बहुत ठंडा है इस समय, ये देखिए यहाँ पर ये फ्लावर ही है। इसमें ये पराग कण हैं,
इसमें पॉलन ग्रेन एंथर हैं ये, जो स्टिग्मा को क्या करती है, फर्टिलाइज कर देती हैं। यहाँ आप देखेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये देखिए प्लांट, यह है नीम, नीम जिसका बॉटनिकल नेम होता है एजेडी रस्ता इंडिका, एजेडी रस्ता इंडिका, इट मींस इंडियन स्पीसीज। जो भी बॉटनिकल नेम होते हैं वो आपके एक संस्था रखती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये इंडिका शब्द है, इंडिका लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है इंडियन स्पीसीज, तो ये भी इंडिका है, ओके। ये देखिए यहाँ पर महुआ है, ये महुआ चुन रहे हैं, तो ये स्वाद में बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इसमें हनी की तरह होता है, हनी जैसे होता है। ये देखिए यहाँ पर चुनने में बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, ऊपर देखिए, ये देखिए महुआ, तो हम बात करें महुआ की, देखिए यहाँ पर फर्मेंटेशन आज से लगभग 2050, लगभग 2500 ईसा पूर्व हम इस महुआ का उपयोग करते हैं, वो भी किस में, मदरा या अल्कोहल फॉर्मेशन में, फर्मेंटेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पहले ही से इस देश में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी पहले से ही विकसित हो चुकी थी। तो आपने देखा बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ द सब्सटेंस फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। देखिए ये महुआ है, ये महुआ है, इसको खाएंगे तो आपको बड़ा मीठा लगता है, ये इस तरीके से देखिएगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर ये देखिए महुआ, इसको मैं खाऊंगा, बहुत मीठा है, एकदम ग्रेप से भी मीठा है, ऐसे समझिए। बाबू इसको चुनने में कितना समय लगेगा आपको, है एक घंटा में पूरा चुन लेंगे आप, है बड़ा तेज गति से चुनते हैं। इस पेड़ से लगाओ कितना महुआ मिल जाता है, है 2 क्विंटल मिल जाता है, 2 क्विंटल या 200 किलोग्राम, कितना बोरा भर लेते हैं इस पेड़ से, है बाबू एक दिन में पूरा पूरा, जैसे कितना अगर एकत्र करेंगे तो आपके घर पर कितना हो गया होगा, शर्माइए मत, आज से दिन में एक नहीं है। अच्छा, और देखिए यहाँ पर आग भी लगा देते हैं, यहाँ पर ये देखिए है सारा, ये आग लगा हुआ है, ये देखिए महुआ उधर भी है बहुत सारा। तो देखिए आग तो नहीं लगाना चाहिए जंगल में, क्यों, क्योंकि जो वेजिटेशन होती है, छोटी छोटी वेजिटेशन होती है, वो भी क्या है, धीरे धीरे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो जलकर राख हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर वाटर की वैसे भी कमी होती है, और आप ये देख रहे हैं पोर्शन, ये स्टिग्मा है, ये फ्लावर में क्या है, स्टिग्मा, बिल्कुल फ्लावर ही है ये, देखिए यहाँ पर, और देखिए ये स्टिग्मा रह गया क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है। ये आपका ये फीमेल पार्ट हो गया, इसमें मेल पार्ट है, ये मेल है, ये मेल होते हैं यहाँ पर देखिए, ये जिसमें परागकण है, जिसे बोलते हैं एंथर, इसे देखिए मैं दिखाऊंगा आपके लिए, ये देखिए है, ये इसमें पॉलन ग्रेन बनेंगे, परागकण बनेंगे, और ये क्या करते हैं, परागकण जाकर
इसी की स्टिग्मा पर जाकर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें क्या बनेगा, फ्रूट और सीड बनेगा। ये देखिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन जाएगा, फ्रूट और सीड बन जाएगा। ये देखिए इनमें सब में फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इसमें भी फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इसमें देखिए यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा ग्रेप लाइक होता है, मीठा होता है, और इससे यहाँ पर क्या होता है, ये अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है फर्मेंटेशन के द्वारा, किण्वन के द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। और यहाँ पर इसके देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें फ्रूट और सीड बनेगा जिसे डोरी बोलते हैं। उस डोरी का क्या करते हैं, उसको सीड को धुंधला धुंधला आ जा रहा है, अलग करके सीड को अलग करके उसमें क्या किया जाएगा, उसका ऑयल निकाला जाएगा, महुआ का जिसे बोलते हैं तेल। इसका बॉटनिकल नेम है मधुका इंडिका, मतलब यहाँ पर इंडिका स्पीसीज है, इसलिए धुंधला धुंधला आ रहा है। स्टॉप। जैसे सनलाइट नियर अबाउट 12 o'clock 12 बजते हैं तो यहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, तो यहाँ पर सनलाइट तेज हो जाने के कारण क्या करते हैं, कभी कभी गार्जियन के साथ में, माता पिता के साथ में देखिए महुआ को छोड़ रहे हैं। ये देखिए कितना मात्रा में महुआ गिरा हुआ है, ये देखिए पेड़ के नीचे भी देखिए महुआ चुन रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पेड़ के नीचे भी देखिए गए यहाँ पर पूरे जंगल में आप देखते हैं ना तो महुआ सुबह सुबह में लोग आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है सभी का अपना अपना पेड़ होता है, कोई भी एक दूसरे का मतलब महुआ नहीं सुनता है, चुन भी लेता है तो उसको डांट पड़ती है, तो सबका क्या है यहाँ पर अपना अपना पेड़ है। ऐसा नहीं है वो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर भी आप देखेंगे वहाँ पर भी लोग क्या करते हैं, उनका पूरा का पूरा पेड़ कलेक्ट कर लिया उन्होंने, ये मेरा पेड़ है, ये मेरा पेड़ है, इस तरीके से आप देखेंगे सुबह मॉर्निंग टाइम में ही वो पहाड़ पर भी चढ़ जाते हैं और महुआ को चुनते हैं। यहाँ पर ये मुख्य फसल है महुआ, देखिए यहाँ पर भी ये इस पेड़ के नीचे गिरा हुआ है, यहाँ पर सुखा रहे हैं, जैसे ये मुख्य फसल है, जैसे हमने देखा होगा ये देखिए यहाँ पर महुआ देखिए ये चुन रही है, तो आपने देखा होगा जैसे मुख्य फसल होती है गेहूँ है, धान है, गन्ना है, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये क्या है एक मेन क्रॉप के रूप में ही लेते हैं यहाँ पर लोग, यहाँ पर ये महुआ को चुनते हैं और धन अर्जित करते हैं। महुआ की हम बात करें तो देखिए मार्केट में भी महुआ का काफ़ी प्राइस होता है, नियर अबाउट जब ये फसल आती है तब तो इसका प्राइस कम होता है, नियर अबाउट आप देखेंगे तो 25 to 30 या 30 रुपये किलोग्राम ये बेचारे जो कृषक होते हैं किसान ही मान लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर होली का कर रहे हैं, देखिए कितना
इतना सारा जो गिरा हुआ है ना, सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन प्राइस 30 रुपए किलोग्राम है, 25 रुपए किलोग्राम है। ये व्यापारी लोग क्या कर लेते हैं, इसको महुआ को खरीद लेते हैं। और देखिए इस साइड में भी आप देखेंगे, हर पेड़ के नीचे जो महिलाएं हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गार्डियन है, वो चुनते हैं। अब बताइए 30 रुपए किलोग्राम उनके यहाँ से तो चला जाता है, लेकिन जो व्यापारी होता है वो नियर है वो 60 to 70 रुपीज, 60 से 70 रुपए किलोग्राम क्या करता है, बेचता है। और उसका क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये फूल गिर रहा है, फूल से क्या करता है, इसका हम बात करें तो बॉटनिकल नेम भी क्या होता है इसका, इसका बॉटनिकल नेम है मधुका इंडिका, क्योंकि ये इंडियन सीड है। इंडिका मतलब होता है लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है इंडियन स्पीसीज। तो यहाँ पर दो स्पीसीज होती है महुआ की। देखिए यहाँ पर आप देखिए आग भी लगा देते हैं, यहाँ पर जंगलों में आग नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए वहाँ पर एक छोटी झोपड़ी बना ली है और वो देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में महुआ एकत्र कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये मुख्य फसल है। फिर जैसे आपने देखा होगा व्यापारी धान खरीदता है तो नियर अबाउट ऐसी मान लीजिए जो 14 या 15 रुपए किलोग्राम या 1400-1500 रुपए कुंतल खरीद कर और उसको मार्केट में बेचता है काफ़ी महंगा करके 2000 रुपए या सरकारी रेट पर क्या करता है वो बेच देते। ये देखिए छोटे सुनते हैं ना, देखिए यहाँ पर बात करते हैं, देखिए हर पेड़ के नीचे आपको जंगल में मिल जाएंगे लोग महुआ को चुनते हुए। वहाँ देखिए फसल है। तो इसका फूल का होता क्या है, ये बिल्कुल ग्रेप लाइक होता है, इसकी शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। जिस घर से आपने शुगर केन गन्ना खाया होगा वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल गिरता है और बिल्कुल शहद की तरह। इसे देखिए यहाँ पर हनी ट्री के नाम से भी जाना जाता है। हनी ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है मधुमक्खी बिल्कुल हनी की तरह इसमें ग्लूकोज होता है, बहुत ज़्यादा मीठा भी होता है। और वो हनु क्या करती हैं, हनी उसको कलेक्ट करती हैं और उसको माउथ से कन्वर्ट करती हैं किसमें, शहद में, इसीलिए इसे हनी ट्री भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, लेकिन अब तो महुआ धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी प्रजाति खत्म होती जा रही है क्योंकि जंगल में आग लगा देते हैं। और छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं वो भी क्या हैं, आप देखेंगे जो छोटे पेड़ होते हैं आग लगाने पर वो समाप्त हो जाते हैं।